साजिश तो है, बहुत बड़ा साजिश है। देखिए, कलकत्ता सिटी जो है वो कैपिटल सिटी है। कैपिटल सिटी में क्या होता है, पुलिस बहुत अलर्ट रहते हैं। 2000 का एक अनरूली मॉब लाठी लेके, मुंह ढक के, आधा मॉब का मुंह ढका हुआ है, मुंह ढक के आके तोड़फोड़ करे और लाल बाजार में पुलिस सोते रहे, बंगाल पुलिस का कोई खबर नहीं, ये तो कोई मानेंगे नहीं। खबर जरूर था लेकिन पुलिस ले जानबूझ के देर करके आए। इस बीच में सब तोड़फोड़ हो गए। और कब तोड़फोड़ हुआ, जब सीबीआई को केस मिला और जांच करने के लिए वो आने वाले थे, तब ये तोड़फोड़ हुआ। ये टाइमिंग और पुलिस का इनएक्शन, ये दोनों मिलते हुए हमको ये पता चल रहा है कि ये सब एक बहुत बड़ा प्लानिंग का पार्ट है। देखिए, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आज बहुत क्लियरली कहा है कि ऐसा क्राइम जो महिला का विरुद्ध में होता है, इनमें एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना चाहिए और इनके जांच में देरी नहीं करना चाहिए। ये तो प्रधानमंत्री का सदिच्छा है, प्रधानमंत्री का जो ये कहना है हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमारा राज्य में, वेस्ट बंगाल में, बंगाल में जो सरकार है, अब देखोगे कि लगातार दर्शन हो रहा है। कई सालों का बात है, कई दिनों का बात है, कमदुनी में जो दर्शन हुआ था, आधा आरोपी बाहर है। पार्क स्ट्रीट में जो दर्शन हुआ था, गणदर्शन हुआ था, सब आरोपी, नासिर खान बोलिए, सुमित बजाज बोलिए, रिलीज हो गया, बाहर घूम रहे हैं। अगर ऐसा एक राज्य हो जहाँ पर पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, पीपी स्टेट पीपी ठीक से कोर्ट में सब कुछ नहीं पेश कर रहा है, तो हमको मानना है कि ये सरकार साजिश में भागीदारी है और पुलिस इसीलिए काम नहीं कर रहा है। इसलिए ममता बनर्जी को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए और लोगों से सॉरी बोलना चाहिए, नहीं तो लोगों ने उसको बाहर कर देंगे।